Hey guys, मेरा नाम है नीरज परन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। तो गाइस आई एम सॉरी फॉर डिले, बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे को बीच में कुछ काम आ गया था इसलिए कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया था। सो गाइस अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी कि इंडिया में भी क्लाउड गेमिंग आने वाला है, तो अभी बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये क्लाउड गेमिंग क्या होता है, ये इंडिया में कौन ला रहा है, इससे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हम इसमें कौन से गेम खेल पाएंगे, क्या अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो क्या आपके लिए क्लाउड गेमिंग सफिशियंट होगी। सो इसके लिए हम पूरा भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो पहले पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया में क्लाउड गेमिंग कब तक आ सकता है। सो इंडिया में जो क्लाउड गेमिंग आने वाला है वो जियो और माइक्रोसॉफ्ट लाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट की भी क्लाउड सर्विस है, तो उसी क्लाउड सर्विस को इंडिया में जियो लाने वाला है क्लाउड गेमिंग के नाम, क्लाउड गेमिंग के लिए। तो अभी वो कब तक आने वाला है इसकी तो कोई अभी कंफर्म डेट नहीं हुई है, बट जियो ने रिसेंट में बताया था कि 2023 तक इंडिया में क्लाउड गेमिंग के पूरे सर्वर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे हर सिटी में। सो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अगर इंडिया में क्लाउड गेमिंग आया तो क्लाउड गेमिंग कौन खेल पाएगा, क्या ये एज अ कैजुअल गेमर के लिए होगा या प्रोफेशनल गेमर भी इसे खेल पाएंगे। सो गाइस सेकंड पॉइंट में है कि इसे बस आप एज अ कैजुअल गेमर खेल सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करें अगर आप ऐसे गेम खेलना चाहते जैसे पबजी हो गया, सीओडी हो गया, तो उसके लिए जो टच रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। तो क्लाउड गेमिंग कुछ इस तरह है कि जैसे आप अपने फ़ोन में खेल रहे हो, आपका फ़ोन या फिर आपका जो लैपटॉप है वो ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स कार्ड वाला नहीं है, बट आपका जो मेन गेम रहेगा वो किसी और सर्वर पे चलेगा, बट वो सर्वर को आप उस गेम को आप अपने फ़ोन में खेल पाओगे। एज अ एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि कोई भी जो सीरीज है वो आपके फोन में डाउनलोडेड नहीं रहती, बट वो नेटफ्लिक्स ने जो सर्वर बाय किया है उसके सर्वर पे वो डाउनलोडेड रहती है, तो आप एज अ सब्सक्रिप्शन मार के आप वो वीडियो देख पाते हो। तो क्लाउड गेमिंग भी कुछ इस तरह ही रहने वाला है, आप एक गेम लोगे जिसे आपका आप उसे सब्सक्राइब करोगे और वो गेम आप उस टाइम पीरियड के लिए खेल पाओगे। सो क्लाउड गेमिंग कुछ इस तरह ही रहने वाली है। सो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो क्लाउड गेमिंग पे हम ऐसे भी गेम खेल पाएंगे जो एक्चुअल में आपके फोन या लैपटॉप में आप इंस्टॉल करके नहीं खेल सकते हो। सो एज अ एग्जांपल लूं तो जो एक गेम है जो वीचर, आपने सुना होगा कि वीचर की जो ग्राफिक्स है उसके लिए जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी का चाहिए, बट आप अपने साधारण लैपटॉप पे भी वो वीचर गेम खेल सकते हो, लैपटॉप थ्रू आप अपने फोन पे खेल सकते हो जो उस गेम के लिए नहीं बना है, बट ये है एक एडवांटेज जो क्लाउड गेमिंग का होने वाला है। आप कोई भी अच्छे से अच्छा गेम बुरे से बुरे लैपटॉप पे भी खेल सकते हो, वो इजीली सपोर्ट करेगा। सो अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्लाउड गेमिंग के लिए किस तरह का नेट लगेगा, इंटरनेट प्रोवाइडर किस तरह का लगेगा, तो अगर मैं बात करूँ तो आपको मिनिमम 50 Mbps के ऊपर का लगेगा, क्योंकि जब तक आपका नेट अच्छा नहीं रहेगा तो जो टच रिस्पॉन्स है वो उतना बेटर तरीके से और उतना सॉफ्टली नहीं खेल पाओगे, लैग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। और अगर अब मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँ तो क्लाउड गेमिंग जो इंडिया में आने वाला है क्या वो प्रोफेशनल गेमर के लिए होने वाला है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी ई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बढ़िया बढ़िया टीम ई स्पोर्ट्स खेलती है, तो क्या ये जो गेम है ये प्रोफेशनल गेमर के लिए, जो क्लाउड गेमिंग है प्रोफेशनल गेमर इसको खेल पाएंगे? हाँ उसको वो खेल पाएंगे, बट वो गेम उस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पहुंचेगा जैसे सीओडी हो गया, फ्री फायर हो गया और पबजी हो गया, क्योंकि आपको भी पता होगा पबजी के लिए टच रिस्पांस और फ्री फायर और सीओडी के लिए टच रिस्पांस बहुत ज़्यादा मायने करता है। अगर हम फायर की बटन पे दबा रहे हैं तो उसी टाइम फायर होने को होना, बट अगर हम एज अ क्लाउड गेमिंग के थ्रू ये गेम खेलना चाहते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर हमने टच किया है तो वो प्रोसेस टाइम ड्यूरेशन होने में कुछ मिली सेकंड, कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, इसलिए ये एज अ बैटल ग्राउंड टाइप गेमिंग के लिए नहीं बना है। अगर हाँ आप एज ए सिंगल पर्सन गेम खेलते हो जैसे हो गया GTA Vice City, ये एक सिंगल पर्सन है, और वीचर एक गेम हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये एक सिंगल पर्सन गेम है, तो इसे आप एज अ खेल सकते हो, इसमें आपको कोई आपकी जो आगे वाला कॉम्पिटिटर रहेगा उतना ज़्यादा हार्ड आपको देखने को नहीं मिलता है जो आपको पबजी और सीओडी में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें कि क्या कोई ये प्रोफेशनल गेमर खेल सकता है तो खेल सकता है, बट ये गेम नहीं खेल सकता जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेटर टच रिस्पॉन्स मारते। हाँ अगर इंडिया में हर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर एक सर्वर रख दिया जाए तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ पबजी जैसा गेम भी आप क्लाउड गेमिंग के थ्रू खेल सकते हो, बट मेन जो क्लाउड गेमिंग बना है
उन गेमों के लिए बना है जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंस ग्राफिक्स कार्ड मांगते बहुत ज्यादा डाटा मांगते, तो वैसे इनपे जो क्लाउड गेमिंग है वो ज्यादा बेटर वर्क करेगा टू कंपेयर पबजी जैसे गेमों पे, पबजी और सीओडी जैसे गेम पे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्लाउड गेमिंग के बारे में। सो आपको क्या लगता है कि क्लाउड गेमिंग इंडिया में कब तक आ सकता है, और अगर आपको भी इसके बारे में कुछ न्यूज पता है कि हाँ इस टाइम तक क्लाउड गेमिंग इंडिया में आ जाएगी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो आज का वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पूरा तरीके से जानना है कि क्लाउड गेमिंग किस तरह वर्क करता है, तो मेक श्योर आप मेरे को इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 लाइक्स आप मेरे को दो, ताकि मैं इसका जो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं अपने एक स्मार्टफोन पे भी क्लाउड गेमिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा, अगर आप इसको 50 लाइक्स तक पहुंचा देते हो। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करें, क्योंकि उसको भी क्लाउड गेमिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है अभी रिसेंट में नेट पे जब हम यूट्यूब खोलते हैं और मैंने जब सर्च किया था कि व्हाट इज क्लाउड गेमिंग, सो मुझे बहुत कम वीडियोज तो दिखी, 4-5 ही वीडियो दिखी, बट उनपे जो व्यूज थे वो अराउंड 1 मिलियन भी नहीं गए थे। तो ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।